पुलिस वाले भी देखते रह गए गाइस। ये बाय एक नंबर। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस आपका स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। और गाइस क्या अभी आज का वीडियो होगा, थोड़ा अपनी बाइक का मैं रिव्यू दूंगा, ड्यूक 250। और अभी जेन 3 आया है न्यू मॉडल, तो कई बंदों का क्या हो? अभी सोचते हैं कि बाइक अभी चलाने में कैसी है, तो अभी हम वीडियो के थ्रू आपको दिखाएंगे अभी कि अभी बाइक कैसा चलता है और राइड में मज़ा आता है नहीं आता, इसका भी पिकअप कितना अभी अच्छा है कि नहीं है, सब कुछ मैं डिटेल्स में समझाऊंगा, तो लास्ट तक बने रहना गाइस। और गाइस क्या अभी ये न्यू ड्यूक आई है, उसमें क्या अभी आपको पता ही होगा कि स्विफ्टर आया अभी नया, तो अभी ये कैसे वर्क करता है सब कुछ, और अभी इसका हैंडल बार कैसा है, और अभी चलाने में कैसे आपको दिक्कत तो नहीं आएंगी लॉन्ग ड्राइव पे, सब कुछ मैं समझाऊंगा, तो लास्ट तक बने रहो गाइस। ये बाइक की बात करें राइड में कैसी है, तो अभी मैं तो बोलूँ तो अच्छी बाइक है, क्योंकि मैंने 20 दिन चलाया, मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम आता नहीं अभी तक। और गाइस क्या कई बंदों का तो प्रॉब्लम होता है कि इंजन में प्रॉब्लम है सब कुछ, मेरे बाइक में है नहीं। और गाइस क्या अभी इसकी हैंडल बार की बात करें तो बहुत देख सकते हो कैसा दिया है, अभी लुक में भी बहुत अच्छा है। पहले जो आता था वो क्या अभी पूरा छोटा आता था और बहुत वो होता था, अभी तो क्या कंफर्टेबल है पूरा, भी देख सकते हो आपके सामने है। और गाइस क्या आपकी डिस्प्ले भी चेंज करी, देख सकते हो कैसा डिस्प्ले लग रहा है, पहले तो बहुत वो लग रहा था। अभी आपको गाइस बताओ मेरे को कमेंट में आपको कौन सा लग रहा था अच्छा, वो वाला ड्यूक या ये नया जनरेशन जेन 3 या ओल्ड मॉडल, सबको तो क्या अभी ओल्ड ही मॉडल अच्छा लग रहा है, सबको तो ये पसंद नहीं आ रहा कई बंदों को, तो मैंने देखा है कमेंट में भी, मेरे कमेंट में आया था कि ओल्ड मॉडल अच्छा है इससे अच्छा। तो और गाइस क्या अभी इसकी पिकअप की बात पर अभी देख सकते हो, अभी ना बूम बाम निकल दिया, पूरा स्मूथ है अभी। और गाइस अभी 100 तो ऐसे ही सेकंड में पकड़ लेता, अभी इतना अच्छा भी है इसका भी पिकअप, और स्पीड में तो बोलो ही मत, अभी बहुत अच्छा काम किया है केटीएम वालों ने, इस बार केटीएम वालों ने कुछ गलती किया नहीं है भाई। क्या पिकअप है इसकी, तो कई जगह पे तो डर भी लगता है कि थोड़ा देख के चलाना पड़ता है, क्योंकि इसकी पिकअप भी ज़्यादा है और बहुत तेज निकल जाती है, और मेरे को तो आपको पता ही होगा मेरे को ज़्यादा पता है नहीं बाइक का, क्योंकि मैंने पहले 125 चलाया सीसी का, और अभी ऊपर से सीधा मैं आ चुका हूँ 250 सीसी, इसीलिए थोड़ा मैं देख के चलाता हूँ। और गाइस क्या अभी इसका थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा भगाऊंगा नहीं थोड़ा, क्योंकि अभी सर्विस दिन बाद होगा फर्स्ट सर्विस को, उसके बाद हमें अभी स्पीड भी चेक करेंगे इसका, और इसका माइलेज वापस में टेस्ट अभी चेक करूंगा कितना रहता है अभी। और गाइस आपको स्विफ्टर की बात करो, देख सकते हो अभी चेंज हो चुका है, अभी आगे जाके यूज करते हैं स्विफ्टर को भी, तो ये ट्रैफिक थोड़ा है अभी और थोड़ा हाइपर राइडिंग भी हो रहा है अभी ऐसा लग रहा है मेरे को, तो क्या करो साला बाइक पे बैठता है हाथ तो अपने आप ही हाइपर हो जाता है। और कैसे का इसका रिएक्शन तो बहुत अच्छे से मिलता है अभी, खतरनाक रिएक्शन मिलता है अभी इसका, पुलिस वाले भी देखते रह गए गाइस। सॉरी वो डर गया बच्चा, पीछे खींच लिया बेचारे को, अभी ऐसे में करता नहीं ज्यादा। और गाइस क्या निकल रही है अभी देख सकते हो आपके सामने, चला रहा हूं मैं बाइक, ओ भाई खतरनाक बाइक है अभी ये। और कई बंदे सोच रहे ले या नहीं ले, मैं तो बोल रहा हूँ ले लो भाई, वेट मत करो भाई।
और गाइस क्या थोड़ा अभी हाईवे पे अभी खुला रोड आएगा तो थोड़ा भगाएंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत खींचेंगे, ज़्यादा खींचेंगे नहीं इसको। गाइस आपको क्विक शिफ्टर की बात कर रहा था, देखो अभी बिना हाथ लगाए देखो अभी कैसे चेंज हो रहा है पूरा सेकंडों में, देखो ये देखो। और देखो अभी फिफ्थ से सिक्स जाएगा, कुछ पता भी नहीं चलता और स्पीड में पूरा चेंज हो रहा है। बहुत अच्छे से काम किया है KTM वालों में क्विक शिफ्टर में तो। और यार गाइस अभी हैंडल बार भी बहुत कंफर्टेबल है। अरे यार बार बार स्पीड ब्रेकर आते हैं यार ये रोड पे तो। और क्या इसके अभी कई बंदों का छोटा हाइट है तो अभी ये वो बंदे भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका 800 mm कर दिया तो पूरा बहुत छोटी बना दी है इसको। पहले तो बहुत बड़ी आती थी तो कई बंदे की हाइट कम थी तो कई बंदे को पैर पहुँचते नहीं थे ग्राउंड लेयर पे, इसीलिए नहीं ले रहे थे। अभी ले सकते हो गाइस, सब कुछ सही कर दिया ये बाइक में, देख सकते हो कैसा लुक लग रहा है मेरे को बताना कमेंट में ये आगे से। और अभी आपको दिखाता हूँ आगे जाके इसका लुक भी पूरा बाइक का कैसा रहा है, बाइक का लुक है अभी। ओ भाई हाइपर राइडिंग, ये भाई एक नंबर भाई। आपको गाइस मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है मेरे को कमेंट बताना। और गाइस अभी कई बंदे क्या 390 का सोच रहे हैं, अभी 390 जैसा ही सेम बना दिया लुक में सब कुछ, और पिकअप भी बहुत हाई लेवल का है अभी। और इसका तो भाई किक शिफ्टर इतना स्मूथ है ना, अभी देखो अभी चेंज हो रहा पता भी नहीं चल रहा कुछ, बाइक में झटके वापटके भी नहीं लग रहे अभी। अभी हिंदी में क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, मेरे को अभी गुजराती बोलना पड़ता थोड़ा बहुत, क्योंकि गाइस हमारे इधर क्या अभी ज़्यादा गुजराती चलता है, इसलिए मैं थोड़ा अभी चला लेना अभी। और गाइस एक से भी बहुत अच्छा मिलता है, अभी आपको देखा ही होगा मैंने अभी वीडियो डाला था नाइट का हल में जो राइड होती है उसमें तो बहुत खतरनाक अभी रिव्यू मिला था अभी बाइक का रिएक्शन। सॉरी गाइस बार बार कुछ भी कुछ गलती हो जाती है, और थोड़ा बहुत चला लेना क्योंकि क्या गाइस अभी कई दिनों के बाद अभी कई दिनों के बाद अभी व्लॉग होते हैं ना तो क्या बोलना है क्या नहीं समझ में नहीं आता। अभी कंटिन्यू रहेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा पहले जैसा। चलो मैंने मिरर निकाल दिया तो थोड़ा प्रॉब्लम तो रहता है पीछे देखने का, क्योंकि हेलमेट पहनते हैं तो पीछे का दिखता नहीं है कुछ। अरे भाई क्या निकलती है बाइक पर हेलमेट, ये बाइक ट्रैफिक में बूम बाम निकल जाती है। अभी देखो अभी आपके सामने है सब कुछ, देखो देखो कौन आया। ओ भाई क्या खतरनाक बाइक है गाइस, ओ भाई। और गाइस आपको कैसा लग रहा है अभी गाइस, आप एंजॉय करो, मैं फुल स्पीड में टोटल देता हूँ जितना बने इतना। मेरा तो साला दिल धक धक हो रहा है धक धक, क्योंकि इतने मैंने चलाया नहीं उतना भी, क्योंकि ट्रैफिक में चलाता नहीं उतना मैं भाई, दिल धक धक हो रहा है मेरा तो। और गाइस के अभी 390 में आपको बहुत कॉस्ट जाएगा हाईली, क्योंकि आपका उसका अभी ऑयल आपको पता ही होगा बहुत महंगा आता है, इसमें थोड़ा कम रहेगा। उसका ब्रेक पैड भी बहुत महंगा आता है इसमें कम आता है, तो देख लो आप 390 से अच्छा ये ले लो UQ250 दोनों, उसमें क्या थोड़ा आपको ज़्यादा हाई इंजन का मिलेगा अभी थ्रॉटल हो सब कुछ, इसमें थोड़ा कम दिखेगा लेकिन आपको पैसा वसूल हो जाएगा उसमें भी। आप सोच रहे हो तो ले लो यार, मैं तो बोल रहा हूँ। और गाइस अभी आ चुका हूँ मैं साइड पे, और आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। अभी सिटी में जाएंगे, इधर कुछ काम है नहीं ज़्यादा, पैसे देने हैं जो बंदे आए हैं उनको खर्च ही देना है, और दूसरा काम है नहीं अपने को इधर, तो बने रहो गाइस और आपको दिखाता हूँ आगे।
क्या करते हैं, साइट पे भी काम खत्म कर दिया, इधर अभी निकलते हैं। और गाइस अभी जाते हैं, अभी थोड़ा हलूल में आपको दिखाते हैं उधर ट्रैफिक में थोड़ा अभी राइड कैसे रहती है अपनी बाइक का, छोटी छोटी जगहों से निकलती है नहीं निकलती। और गाइस क्या थोड़ा रिक्स लेके अपन जाएंगे रॉन्ग साइड, क्योंकि उधर से निकलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा उधर चला, क्योंकि अभी तक टाइम के सभी कंपनी वाले छुट्टे हैं तो जल्दी निकलने नहीं देते, बहुत गाड़ियाँ आती रहती है। इसलिए क्या थोड़ा अभी ट्रैफिक में भगत है, बाइक कैसी निकलती है अभी देख सकते हो, अभी दिखाता हूँ आपको। पूरा थोड़ा हाइपर होंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अपने को उतना बाइक का अभी एक्सपीरियंस नहीं है जो हाइपर राइडिंग करते हैं, थोड़ा बहुत दिखा दे आपको। और गाइस क्या अभी आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो कर लो, आपके अभी डिस्प्ले पे नाम आ जाएगा तो उधर जाके भी फॉलो करो, आपके भाई को उधर भी सपोर्ट दिखाओ। ये बाइक में एक ही प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को, साला बार बार अचानक अपने आप न्यूटन हो जाता है। और भाई की फ्यूटर तो भाई क्या अभी काम करता है अभी गजब, पूरा स्मूथली है, एकदम स्मूथली, आपको पता भी नहीं चलेगा कब चेंज हो चुका है। अभी थर्ड से फोर्थ का गए, अब कब निकले पता ही नहीं। इसका थीम चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, आप बताओ कमेंट में कौन सा रेप करवाए, कौन सा कलर का। एक बंदे ने खाली करवाया है अभी तक, नहीं दो बंदों ने करवाया, एक ग्रीन करवाया और एक किसने बंदे ने पूरा ब्लैक करके उसका थीम ही चेंज कर दिया है। आप बताओ मेरे को कमेंट में, ये भगवा रंग रखे या चेंज करे इसको, मेरा तो मन नहीं हो रहा, क्योंकि ये भगवा रंग है तो अपना राम जी का, तो इसका चेंज करने का मन नहीं हो रहा, लेकिन एक टंकी पे कुछ करने का मन हो रहा है बस खाली, बाकी तो सब कुछ बाइक में बहुत बढ़िया है। गुजरात में आपको रोडों पे गाय वो सब दिखने को मिलेगा ही, सिटी में ऐसा दिखने को नहीं मिलता ज़्यादातर, थोड़ा बहुत तो चलता है, गाय माता है अपनी, गाय माता ये सब। ला 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 गाइस क्या अभी आप पूरा राइड एंजॉय करो म्यूजिक के साथ, अभी भगा दे बूम-बाम, वन हैंड राइडिंग। ओ भाई क्या यार क्या बोलूं, कुछ बड़ी नहीं है मेरे बोलने को, इतना अच्छा लग रहा है मेरे को अभी। वूहू भाई हाइपर खतरनाक भाई, क्या बचे अभी इस पर। ओ भाई इधर रॉन्ग साइड पे आ चुका है बंदा पूरा खतरनाक लेके बाइक, अपने पूरा बूम-बाम निकाला अभी, कैसा खतरनाक, थोड़ा मेरे को अंदर से चला ऐसा लगा कहा इस गया मैं अभी, लेकिन क्या नहीं अभी KTM बाइक है अपनी, और अपनी आपको बाइक पता है भी लक्की नाम रखा है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अपनी लक्की नाम रखो और अभी बाइक पूरा अपने को खतरनाक मोड़ भी कुछ भी हो जाए, ऐसा बन नहीं सकता, अपनी लक्की बाइक है अभी ये, सही मैंने नेम नहीं रखा लक्की, कुछ सोच के ही रखा होगा मैंने नाम। इसका ब्रेक तो भाई क्या लाजवाब काम करता है, अभी देखो कैसे ले निकलता है अभी छोटी सी जगह से, देखो आ भाई क्या भाई, ये तो कुछ नहीं है, निकल दी अभी गाइस अभी हमने बाइक अपनी, छोटी सी छोटी में जगह से भी निकल सकती है गाइस, इतनी बाइक अपनी है खतरनाक, ये KTM ट्यूब 250 जेन 3। अब भाई बार बार क्या यार, खतरनाक लोग मिल जाते आगे, अभी देख सकते ये बंदा किधर आ रहा है, और मेरी भी गलती है ये रॉन्ग साइड में कट मार रहा हूँ, हमेशा आप अभी किसी के बाइक से निकलो तो राइट साइड से निकलो, क्योंकि लेफ्ट साइड से निकलोगे तो वो गलती आपकी होगी, क्योंकि वो बंदा कहीं भी निकलेगा तो वो लेफ्ट ही जाएगा, तो राइट में थोड़ा जितना बने उतना राइट से निकलो। और गाइस कहीं भी आगे जाके थोड़ा रुकते हो और आपको दिखाता हूँ लूप बाइक का, और अभी क्या क्या है सब कुछ इसमें चेंज हुआ है वो, तो वीडियो बने रहो अभी थोड़ा, अभी आगे जाके मिलते हैं आपको।
क्योंकि अपने ऐसे भी कैमरे की बैटरी ख़त्म होने वाली है, अभी थोड़ा बचा है। सुमसम रोड पे आए हैं क्योंकि इधर कोई शोर शराबा नहीं होगा, और आपको अच्छे से बाइक का थोड़ा रिव्यू दूंगा कि बाइक अभी शॉर्ट में, और आपको ये इसका शॉर्ट अभी बड़ा वीडियो देखना है, आपको पूरा रिव्यू मैंने अभी डिटेल्स में समझाया, तो अभी वो वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को मिल जाएगा। और गाइस क्या इधर की हैंडल बार की बात करें तो हैंडल बार कितना छोटा कर दिया देख सकते हो, और इधर क्या अभी चार अभी इधर क्या अभी आपको जो डिस्प्ले में आते हैं सेटिंग करने का वो ऑप्शन बटन देखने को मिल जाएगा इधर, और इधर आपको चारों इंडिकेटर एक साथ चालू हो जाएगा, जो पहले बाइक को मैंने नहीं आता था अभी कर दिया के टी एम वालों ने। इधर हाई बीम लो बीम हो सकता है इधर से, इधर हॉर्न का और ये इंडिकेटर है लेफ्ट साइड राइट साइड, और इधर देख सकते हो अभी गाइस अभी इधर स्विच ऑन ऑन ऑफ है करने का है, और इधर सेल स्टार्ट है, और इधर दो मिरर थे वो तो निकाल दिए मैंने, आपको पता ही होगा कैसा लगता है। और गाइस अभी लुक मेरे को बताओ कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है अभी ये बाइक का, मेरे को तो बहुत ऑसम लग रहा है, खतरनाक बहुत अट्रैक्टिव लुक लग रहा है इसका। और गाइस कभी कमेंट में बताना मेरे को ये लुक अच्छा लग रहा था आपको कि ओल्ड मॉडल, मेरे को तो ये लुक बहुत अच्छा लग रहा है, कई बंदों को तो वो पुराना मॉडल लगता था अच्छा। और गाइस क्या ये वो भी निकाल देंगे पीछे का, और उसका मैं वीडियो डालूंगा वो भी कैसे करते हैं सब कुछ, तो वीडियो इधर ही एंड करते हैं। और ये राइड का वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में बताना, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, और आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। ठीक है गाइस, टेक केयर ऑल गाइस, बाय।